मुद्दा तो सर लगभग मैं ठीक ठाक देख रहे हैं ये सरकार मोदी सरकार की राज में। मोदी जो सरकार बनने वाला है उसको बनाएंगे हम लोग, जो चलाने वाला है उसी को बनाएंगे। अभी यहाँ पे चर्चा नहीं हुआ है ज्यादा? नहीं अभी चर्चा नहीं हुआ है। नहीं चलिए। नरेंद्र मोदी कहा है? नरेंद्र मोदी को है? कहा है नरेंद्र मोदी? वो सभी को एक एक साथ बुझता है। अच्छा। सभी को एक मिला दिया। हाँ हिंदू मुस्लिम को भी मिला दिया है। अच्छा नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ सचिन। न्यूज़ फॉर नेशन का चुनावी सफ़र झंझारपुर लोकसभा में अभी आ गया है। हम झंझारपुर लोकसभा के शांतिनाथ चौक पे हैं। ये शाम का वक्त था, लोग चाय पे चर्चा करते हैं, तो हम सोचा कि चलिए चाय पे एक चर्चा हो जाए। यहाँ के लोग स्थानीय मुद्दे यहाँ के क्या होंगे वोट के, यहाँ के लोग किसको इस बार समर्थन दे के फिर से लोकसभा भेजेंगे, मोदी की गारंटी पे लोगों को भरोसा है या कि जो स्थानीय नेता हैं वो अलग पार्टी से खड़ा हुए हैं, उस पर हम तमाम लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो गया उमेश कुमार राय। अच्छा, क्या यहाँ का स्थानीय मुद्दा क्या होगा चुनाव का, मतलब जो आपका मुद्दा होगा कि हम ये मुद्दे पे वोट करेंगे, ये मुद्दा क्या होगा आपका? मुद्दा तो सर लगभग मैं ठीक ठाक देख रहे हैं ये सरकार मोदी सरकार की राज में, और अगला चुनाव भी यही है जो मोदी सरकार का। अच्छा, आप पिछली बार वोट किए होंगे तो क्या सोच के किए होंगे, वो गरीबी या फिर वो बेरोजगारी, बेरोजगारी सब पे क्या कह रहे हैं? वही गरीबी बेरोजगारी के लिए हम लोग किए थे। जो खत्म हो गया बेरोजगारी? बेरोजगारी तो नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन फिर भी जो है सो जो जैसे हैं वैसे ही हैं। मतलब मोदी के नाम पे आप लोग वोट करते हैं? जी जी करते हैं। मोदी के कैंडिडेट तो नहीं है, जेडीयू के अलायंस में है जी, और वो जीते ही पार्टी बदल लेंगे, इसी गारंटी है आपके पास? नहीं कोई गारंटी नहीं है, फिर भी लेकिन देना है वही वोट? नहीं नहीं वोट नहीं। अच्छा, यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला हम सुनने में मिल रहा है, हम सुबह से सर्वे कर रहे हैं। एक यहीं पे स्थानीय आपके विधायक रह चुके हैं पूर्व में, गुलाब यादव। जी गुलाब यादव रह चुके हैं। महासेठ जी? जी जी। तो और एक रामप्रीत मंडल, ये तीनों में क्या लगता है कि किसमें कौन बाजी मारेगा? रामप्रीत मंडल का भी चलती है हसुआ गेहूं छाप। वो तो जेडीयू काम में है। तो जी काम तो ये बहुत अच्छे कर रहे हैं जी, तो हम लोग तो देख रहे हैं जो वो इससे पहले भी कुछ ही वोट से हार चुके थे तो उनका भी। क्या नाम हुआ बाबा? क्या यहाँ का मुद्दा, क्या वोट करेंगे, किसको यहाँ का मतलब यहाँ से सांसद बना के लोकसभा भेजेंगे? हम तो मोदी जी को भेजेंगे। मोदी जी के सिपाही हैं? हाँ, मोदी जी की गारंटी में पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है हम लोग। हाँ पूरा भरोसा। नीतीश के पार्टी से हैं रामप्रीत मंडल जी, तो जीतने के बाद क्या गारंटी है कि मोदी फिर सरकार ना हट जाए? नहीं उसको हम नहीं देंगे, हम लोग उसको दे देंगे। किसको नहीं देंगे? रामप्रीत मंडल को नहीं देंगे। तो रामप्रीत मंडल को नहीं देंगे तो मोदी को किसको देंगे? मोदी तो वही उसी को और खड़ा हुआ होगा उधर। गुलाब यादव है और कौन है? और है महासेठ। हाँ तो महासेठ ठीक है, महासेठ लालू के पार्टी से खड़ा हुआ है, लालू का पार्टी से खड़ा हुआ है। तब उसको भी नहीं देंगे। किसको देंगे? तब इसी को देना पड़ेगा। किसको? मोदी जी को तो देबे करेंगे हम लोग। मोदी के पार्टी का नहीं ना कोई खड़ा है जी, मंडल जी खड़ा है। मंडल जी खड़ा है तो मंडल जी को दे देंगे। मंडल जी को देंगे, मतलब मोदी किसी को भी खड़ा कर दे यहाँ से हटा देना है? अच्छा, इससे पहले वोट किए होंगे ना? क्या सोच के किए होंगे कि जो गरीबी है जो चीज़ है वो खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, जो युवा बेरोजगार है ये सब चीज़ खत्म हो जी? ये क्या खत्म हुआ? खत्म तो नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा। और तो पब्लिक से देखते हैं जो सब चीज़ में पानी का जो नल दिया है वो भी साला जोड़ कर को पैसा ले रहा है, पानी चलता आप है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि नल जल का कोई फायदा भी नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मोदी को ही वोट करेंगे, तो मतलब कैसे विकास होगा यहाँ का? जो देखते हैं जो मोदी पैसा ज़्यादा देता है क्या? नहीं हम लोग को क्या देगा पैसा, कुछ नहीं पैसा देता है, कुछ नहीं दे रहा है हम लोग को तो पैसा भी, लेकिन मोदी को? हाँ मोदी को देगा। ऐसे देखिए, मान लीजिए कि जब 5 साल पहले अगर वोट किए होंगे तो सोचे होंगे ना कि चलिए भाई मोदी को दे रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है एक नारा है, और मोदी की गारंटी, मोदी वादा दावा कर रहे हैं कि गारंटी है मेरा, ठीक है, तो क्या लगता है आपको मोदी की गारंटी पर भरोसा है? देखिए मोदी कहता है गारंटी, गारंटी के मामला में तो और महंगाई चलता है। मोदी जो सरकार बनने वाला है उसको बनाएंगे हम लोग, जो चलाने वाला है उसी को बनाएंगे। अभी यहाँ पे चर्चा नहीं हुआ है ज्यादा? नहीं अभी चर्चा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। नहीं बाबा, हमारा नाम हुआ झोली दास। घूमा झोली दास? झोली दास
तो एकदम टाइट रख ले हो ना। कितना उम्र हो गए अपने के? हमारा 77 साल हो गया। 77 साल तैयो टाइट हो ना। कितना साल से राजनीति? 87 साल हो गए। 87 साल हो गया बाप, तैयो टाइट हो ना। हाँ जी। पिछला साल वोट दिए थे? नहीं, हम दिल्ली में थे। दिल्ली में थे जी। अच्छा, किसको जा पसंद करते हैं आप? नरेंद्र मोदी। कहा है नरेंद्र मोदी को? हाँ, कहा है नरेंद्र मोदी को? वो सभी को एक साथ बुझता है। अच्छा। और सभी को एक मिला दिया। हाँ, हिंदू मुस्लिम को भी मिला दिया है। अच्छा, मुस्लिम को तो विरोधी कहता है मोदी जी को? नहीं, वो भाई भाई कहता। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे युवा लोग को, तो मोदी के सरकार में युवा, मतलब विपक्ष वाला कहता है, राहुल गांधी सब कहते हैं कि मोदी की सरकार में युवा बेरोजगार है। बेरोजगार कहाँ है, सभी के रोजगार में है। सब रोजगार में है। आप बुरा लगता है ना, मोदी के सिपाही है? नहीं, सिपाही है, बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड? बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड है। हाँ जी। अच्छा, क्या यहाँ के लोग किसको वोट करेंगे? उसी का वोट करेंगे, नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी के पार्टी से नहीं, वो नीतीश कुमार के पार्टी से? नहीं, ग्रामप्रीत मंडल नीतीश कुमार? नहीं, किसी के पार्टी नहीं रहेगा। कमल छाप पर सभी वोट देगा। कमल छाप नहीं ना कोई है, है तीर छाप है। तो किसको? तीर छाप, एगो हाथी छाप, एगो बैग छाप। कमल छाप में देंगे। कमल कमल के कोई रहतवा तब ना देबू। हाँ, वही कमल है। कोई है ये नहीं है, बीजेपी है ना? बीजेपी का कोई नहीं खराब है, नीतीश कुमार से है। नीतीश नरेंद्र नीतीश को? नहीं, नरेंद्र मोदी को। अच्छा, नीतीश से नाराजगी है, मोदी से मोहब्बत? वो जो है ना, सभी घोटाला किया है नल डल में। हाँ, और बच्चे लोग को जो है ना, वो सभी स्कूल में जो था सभी पैसा बंद कर दिया, दारू भट्टी बंद कर दिया, इसे कितना घाटा है सरकार को। अच्छा। आप समझिए। अच्छा। विदेश को नफा हो गया। अच्छा, तो नल जल में मतलब घोटाला किया है? हाँ जी। तो आप बोल रहे हैं कि उसको देखिए ना, नल जल देखिए, उसको जांच किए। हाँ। जांच कीजिए सभी। तो तभी तो आप बोल रहे हैं कि नीतीश को जिताएंगे? नहीं, नीतीश को क्यों जिताएंगे, मोदी के साथ अभी पार्टी में वही ना है? नहीं, वो नहीं है। चलिए, हम थोड़ा और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका, बताइए जी? हमारा नाम प्रमोद मुखिया हुआ। प्रमोद मुखिया, मुखिया जी हैं। एक बात बताइए, क्या लगता है कि वोट किए थे पिछली बार? हाँ, वोट किए। क्या सोच के वोट किए थे पिछली बार? क्या सोच? हाँ, ये सोच के किए थे जो बिहार को विकास करे, गरीब जनता को जो है कुछ हेल्प करे। हेल्प हुआ? कुछ नहीं हेल्प हुआ। इस बार भी उसी को वोट करना है जिसको पिछले किए थे? वही सोच रहे हैं जो किसको करे वोट। हाँ। जो हेल्थ नहीं करता है किसको वोट दे। अच्छा, यहाँ से 3 लोग खड़े हैं जी, रामप्रीत मंडल जी, गुलाब यादव जी, एगो महासेठ इंडिया अलायंस है जी, लालू जी के पार्टी से जी। तीनों में से किसका टक्कर होगा इस बार? इस बार टक्कर किसका होगा ये तो नहीं बताएंगे, पर जो है कमल के छाप के मतलब है उसके पीछे जो है मतलब एक गधा भी खड़ा होगा तो वो जीत के जाएगा। अच्छा, मोदी की गारंटी पे भरोसा है? हाँ, बिल्कुल भरोसा है। अच्छा, तो मोदी जी तो नीतीश के साथ अभी हैं बिहार में जी, तो जिस पार्टी से खड़े हैं रामप्रीत मंडल वो नीतीश कुमार के पार्टी से खड़े हैं जी, तो उनको जिता देना है? नीतीश को तो वोट ऐसे नहीं मिलेगा बिहार में, मगर उनके साथ है तो उसकी तरफ से हेल्प हो सकता है। और आप इसकी गारंटी, मोदी जी को तो खुद गारंटी दी कि नीतीश कुमार जी, मतलब ऐसा विपक्ष वाले कहते हैं, तेजस्वी हो, यादव हो, या फिर राहुल गांधी हो, ये सब कहते हैं कि नीतीश कुमार जीतने के बाद फिर चले जाएंगे, फिर पलट जाएंगे। उनके तो वो मतलब पुरानी अभ्यास है, जो दल बदलू नेता है उनके तो कभी इधर पलटा कभी उधर पलटा, इसका तो कोई गारंटी ही नहीं है वो जो किधर पलटेगा। हाँ। नीतीश कुमार मोदी को नहीं जी। चलिए, तो हम थे अभी झंझारपुर लोकसभा में। झंझारपुर लोकसभा का ये शांतिनाथ चौक है, तो हमने यहाँ के लोगों से बात किया कि यहाँ के लोग जो है, यहाँ के जो जनता है वो किस मुद्दे पे वोट करेगी, यहाँ का मुद्दा क्या होगा। तो तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।